नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। गया में भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी ने अपने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि हमारी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पार्टी अभी दो लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार की घोषणा कर रही, जिसमें गया लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार और नवादा लोकसभा क्षेत्र से संजय प्रसाद हैं। हमारी पार्टी जब इन लोकसभा क्षेत्रों में आएगी तो विकास के दौर में आगे ले जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि गया जो बुद्ध और ज्ञान की नगरी है, जहां विदेशों से लोग आते हैं, अभी तक उसका विकास नहीं हुआ है, इसका हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। तो जो जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो हैं, हमारा पार्टी का मुख्य मुद्दा है विकास, जो अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं किया है। भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे सुनील कुमार जी, जो खुद स्वयं हम लोग पार्टी के तरफ से निर्णय लिए हैं कि वो गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे इस बार पूरी ताकत के साथ और पूरे जीतने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पे अगर गया का विकास नहीं हुआ है तो उसमें हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जितने भी पार्टियाँ हैं उन्होंने कभी भी हमारे गया के बारे में रत्ती सा भी नहीं सोचा है कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी, जो जैसे यहाँ के सबसे बड़ी आबादी मुसहर जाति का आबादी है, उसका शिक्षा बिल्कुल ही नगण्य है, माने काला हांडी से भी बदतर स्थिति है। यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे हैं जीतन राम मांझी जी, और यहाँ के कई एक जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र आता है गया, तो यहाँ सवाल है कि नए तरीके से काम करने की जरूरत है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम हैं। निमियाघाट थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डुमरी सीईओ रवि भूषण ने की। रंगों का त्यौहार होली शांतिपूर्ण व सद्भाव के वातावरण में संपन्न कराने पर चर्चा की गई। वही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व दोनों समुदाय के कई लोग उपस्थित थे। सभी ने आपसी भाईचारे का प्रतीक पर्व होली को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संकल्प लिया। सीईओ ने उपस्थित लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों व अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही और कहा इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर कोई गलती करता है तो उसको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस शांति समिति की बैठक में डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, थाना प्रभारी विजय क्रिकेटा सहित मुखिया प्रतिनिधि व दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। कमिटमेंट किया कि किसी भी तरह की कुछ ओकरेंस नहीं होगा, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होगा होली के अवसर पर, और हम लोग का भरसक प्रयास रहा का किसी भी तरह की कुछ ऐसा शिकवा शिकायत नहीं हो, क्योंकि इसके पहले भी जो भी हम लोग होली का त्यौहार मनाते आए हैं बहुत सौहार्दपूर्ण से सारे हिंदू मुस्लिम एक मनाते आए हैं, और यहाँ सभी समुदाय के लोग आकर के आज शांति समिति में अपना कमिटमेंट किए और सपोर्टिंग अप्रोच की बात किए कि किसी भी तरह की झगड़ा झंझट नहीं होगा, और हम एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, प्रशासन को, कि प्रशासन भी अलर्ट रहे, लेकिन प्रशासन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग खुद अलर्ट हैं और किसी भी तरह का कोई वारदात हम लोग गाँव में। जमुआ विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन कोदंबरी के विनोबा भावे मैदान में आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक विनोद सिंह तथा धनवार विधायक सह कोडरमा लोकसभा माले नेता राजकुमार यादव ने कहा कि दो इंजन वाली मोदी रघुवर की सरकार ने मिलकर देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। विकास की बात करने वाले मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, जबकि रघुवर सरकार ने गरीब जनता के जमीन को छीनकर बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेचने का काम किया है। स्थानीय गरीब मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दर 67 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर अपमानित करने का काम किया है, जिसका एक एक हिसाब का बदला वोट से देने की जरूरत है। बगोदर के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को मजबूती से बूथ स्तर पर कार्य करने की सलाह दी और कहा कि कुल मत का महज 25% वोट लाकर भाजपा विजय हुई थी और 75% मतदान करने वाले लोग हार गए थे। जरूरत है 75% मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की। साथ ही कहा कि भाजपा से मुकाबला करने वाली एकमात्र पार्टी भाकपा माले है, जो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। झारखंड की जनता पिछले 5 सालों से
जो डबल इंजन मोदी रघुवर की सरकार चल रही थी उससे किसान हो, मजदूर हो, पारा शिक्षक हो, वो सारे लोग ठगे गए हैं। ये सरकार सबका साथ और सबके साथ विश्वासघात वाली सरकार रही है, इसलिए इस राज्य में जो दो तिहाई से ज़्यादा की आबादी है उन लोगों ने यह ठान लिया है कि इस बार भाजपा हटाओ झारखंड बचाओ यही विकल्प है। और इसलिए इस भाजपा हटाओ झारखंड बचाओ के संदर्भ में कोडरमा में अगर आप देखें तो भाजपा माले ही पिछले 5 सालों से ही नहीं, उससे पहले भी जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस आवाज को बुलंद करती रही है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ करता रहा यौन शोषण, युवक जॉब लगने के बाद शादी से किया इनकार, दहेज में मांगे 9 लाख व बाइक, महिला थाने में मामला हुआ दर्ज। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र की पीड़िता युवती ने बताया कि 3 साल पहले मुफस्सिल थाना के पहाड़पुर के रहने वाले एक युवक से दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदल गई। वही सहरसा जिले में जाकर एक मंदिर में शादी कर 7 जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन जैसे ही युवक का जॉब कृषि विभाग में लगा तो शादी करने से इनकार कर दिया। वही उसके पिता मोतिहारी के थाने में दरोगा हैं। और युवक और उसके पिता के द्वारा पहले तो शादी करने से मना किया और गाली गलौज देकर जलील करते हुए परिवार को भगा दिया। वही शादी करने के नाम पर दहेज में 9 लाख रुपए सहित बाइक, सोने की चैन मांगे। वही इस मामले में महिला थाना के थानाध्यक्ष रवि रंजना कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। जहां तक उसके पिता दारोगा हैं तो इस अनुसंधान में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है, शादी करेंगे यही साथ पर, जब सब फैमिली के जनाइए पहले तो उन लोग, उनको गार्जियन से भी बात होने लगा, मेरा गार्जियन से बात होने लगा, तो लड़का शादी की पूरा शादी की तैयारी की है। फिर हमको ये दो दिन मतलब सहरसा ले गए, ये अपना कॉलेज में सहरसा ले गए, तो वहाँ मेरा मंगलसूत्र पहनाए और गला का हार पहनाए और अथी कान का बाली है और रेडमी फ़ोन है और इनको नाम से सिम है और मेरा मांग में भी सिंदूर डाल दिए हैं। अब कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे, हम दरोगा का बेटा है, धमकी देते हैं, कहते हैं कि क्या करेगी तू, जान मार देंगे, ज़्यादा परेशान करेगी हमको। तो चल रहा है 3 साल से चल रहा है सर। एक युवती और एक युवक का शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में कांड अंकित कर लिया गया है। कांड में जांच करने के बाद और अनुसंधान में जो भी बिंदु आएंगे उसके कार्रवाई की जाएगी। मामला है कि एक लड़की थी, उम्र लगभग 20 वर्ष है और एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा है, जिसमें उसने लड़की को शादी का झांसा देकर के उसके साथ यौन संबंध मिला है और शादी नौकरी लग जाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। धाल भूमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के कालिंदी पाड़ा की रहने वाली एक नवविवाहिता नंदनी कालिंदी ने अपने ससुराल में मिट्टी तेल छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नंदनी का अपने पति शिवम कालिंदी के साथ खाने को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद नंदनी ने पूरे शरीर में मिट्टी तेल छिड़क लिया और खुद को आग लगा ली। वैसे आनंद फानंद में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति बिगड़ते देख MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वही डॉक्टरों की माने तो महिला 85% जल चुकी है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई है नरसिंहगढ़ कालिंदी पाड़ा का, जो 85% लगभग बर्न है, 6 मंथ प्रेगनेंसी है, हालत कंडीशन ख़राब है उसका, ड्रेसिंग करके और उसको MGM तुरंत रेफर किया। वो मिट्टी का तेल अपने ऊपर बता रही है, मिट्टी का तेल डाल के। डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के डुमरी के भी उच्च विद्यालय के मैदान में रेम्बुकान कराटे संघ संस्था के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड रेम्बुकान कराटे एसोसिएशन के महासचिव नारायण कुमार महतो मौजूद थे। इस होली मिलन समारोह में रेम्बुकान कराटे संघ के सभी अधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद थे। श्री महतो ने कहा कि हर साल हमारी संस्था होली का त्यौहार मनाती है, इस साल भी हमारे संस्था के लोग पूरे धूमधाम से होली मनाएं। इस होली मिलन समारोह में जोहार फाउंडेशन के सचिव सिम्मी महतो, रमेश कुमार महतो सहित संस्था के कई लोग मुख्य रूप से समारोह में शामिल थे। हम लोग को हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है
हम लोग सभी युवा साथी कराटे संघ के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ हम लोग होली समारोह का कार्यक्रम रखे। संस्था पहुँचे, संस्था में मेंबर एंड पदाधिकारी इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर कुल 50 भाग लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।